अपना चेहरा दिखाने का कष्ट करेंगी या हम आपसे ऐसे ही बात करें? करण सर, ऐसे ही बात करी हो तो अच्छा रही। का है? सर बात यह है, अरे सुनी हो तो हसबाद मली हो। हाँ बताइए। सर बात यह है कि ढूंढारा जो गांव है ना हमारा, वो पल्लू के बहुत ही मर्यादा है। हमार सास बोली एक तो थक गई हम, सांस भूलने लग गए। सांस ले ली। अच्छा सांस ले लो। बहुत ही धन्यवाद। आपको लगता है कि अगर आपने अपना चेहरा दिखा दिया तो गांव के क्या लोग आप पे हंसेंगे या थुतकारेंगे आपको? नहीं नहीं करण सर, ऐसी बात थोड़ा है। अच्छा। बात है कि गांव से आई हन तो सास हमारी बोली कि घूंघट तो उठायो ना बहुरिया, तो हम सोचे चलो घूंघट के साथ ही कर ले। अब कहा है ना कि डांस तो डांस हुआ था, घूंघट के साथ करो चाहे घूंघट के बिना करो। शुरुआत में तो मुझे थोड़ा लगा कि आप लोग मजाक कर रहे हैं या बेवकूफाना है, उसके बाद बड़ा मजा आने लगा मुझे। और बीच बीच में जो हरे साड़ी वाली कलाबाजियां खा रही थी और एक अपने हाथ के ऊपर ही पूरी टर्न मान ली है। कौन से हिप हॉप ग्रुप से आए आप? मैडम हिप हॉप ग्रुप तो नहीं, दंगल वंगल तो बचपन में बहुत खेला है। दंगल वंगल खेला? दंगल खेला है। जी। घूंघट काट के? बचपन में कहाँ घूंघट हुआ था, ब्याह हुई उसके बाद घूंघट आएगा। शादी के बाद शर्म आती है इनको, मतलब आप शक्ल नहीं दिखाने वाले। मैडम नहीं मैडम, डांस तो दिखाई देना है। ये पहली बार मैं देख रही हूँ इस मंच पे, जैसे हमें बात करना है जिसके आगे एक पल्ला है, चेहरा तो हमने देखा ही नहीं, ये पल्ला के पीछे आप डांस कर रहे हो, बात कर रहे हो, एक्सप्रेशंस कर रहे हो, हमको तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हम यहाँ जजेस हैं, हम देखना चाहते हैं कि अगर आपको एक्सप्रेशंस है, आप ये सब कर पाते हैं। लेकिन आज जो आपने किया है मुझे तो बहुत मजा आया, कोरियोग्राफी वॉज वेरी गुड मेरे तरफ से आपके लिए। हाँ बिकॉज आई एंजॉय। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए वेरी गुड किरण जी। चलिए मेरी तरफ से भी हाँ है, बहुत धन्यवाद। पल्लू गर्ल्स मेरी तरफ से भी आपके लिए हाँ है, इसका ये मतलब है हमने एक कंटेस्टेंट का चेहरा नहीं देखा है और हमने उनको आगे ले लिया है। पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट। लड़के हैं लड़के हैं लड़के, मैं कह रहा हूँ लड़के। अरे पूछो ना किरण मैडम तो पीछे। Thank you.